चांदीपुर और पटना में हम आपके बीच। आज हम बता रहे हैं कि धर्मवीर सिंह उपाध्यक्ष हैं पटना जिला, और इनसे हम बात करेंगे। पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष है धर्मवीर सिंह। यह बहुत दिनों से बाहर थे, पटना से बाहर रांची थे, और इनसे जानेंगे कि बहुत बार मैं यहाँ आया लेकिन बात इनसे नहीं हो पाती थी। अब मैं आए हैं तो इनसे हम बात करेंगे कि सर बिहार में सबसे पहले दशहरा है, नवरात्र को लेकर के क्या संदेश देंगे? जी सर, मेरे तरफ से दुर्गा पूजा का, नवरात्रा का हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे बिहार वासियों को अपने तरफ से, सरकार की तरफ से, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे लालू प्रसाद यादव की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं बिहार वासियों को। सर अब बात करते हैं कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार कल जैसे तेजस्वी यादव फिर अनाउंस कर दे शिक्षक को लेकर कि फिर 1,10,000 बहाली आ रही है, लगातार बहाली पे बहाली आ रही है, और बीजेपी कटाक्ष करते जा रही है कि कोई बहाली नहीं, क्या कुछ कहेंगे? सरकार चलेगी कि टूट जाएगी? सर देखिए, मैं तो आज 2-3 बार तक आया तो हमसे मुलाकात नहीं हुए। मैं काम से 5 दिन के लिए गए थे, आज ही रांची से लौटे हैं। तो बीजेपी वाले को क्या कहना है? बीजेपी वाले उल्टा बोली बोलते हैं, तो विपक्ष के हैं, विपक्ष में है तो उल्टा बोली बोलते हैं। वो कभी बोलेंगे सही कि सरकार इनका चलेगी? ये जो है पब्लिक को भ्रमित करते रहते हैं, बिहार वासियों को भ्रमित करते रहते हैं कि सरकार इनका नहीं चलेगी और मेरा वोट बैंक बढ़ेगी। इससे कोई होने जनवाना नहीं है। देखिए, जाति गणना नहीं हो रही थी, हमारे बिहार सरकार जाति गणना करवाई ना, सेंट्रल के रूप में शुरू की, बोलते विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है क्या? आज नरेंद्र मोदी चाह रहे कि विकास नहीं होगा बिहार में, तो क्या विकास नहीं हो रहा? कहाँ विकास नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? आज तक बीजेपी के साथ में हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी थे तो एक जो है सुई के कारखाना लगी, कहीं भी किसी का नौकरी मिली? और जैसे महागठबंधन की इंडिया सरकार में आए, महागठबंधन की सरकार में आए तो नौकरी मिली कि नहीं मिली? आप लोग जानकारी नहीं है, आप लोग मीडिया वाला नहीं देखते हैं कि नौकरी मिली है? हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो वादा किए थे अपने वादा पर कायम है। देखिए, अपने वादा पर आज भी हैं, कल भी रहेंगे, रहेंगे भी, और हमारे महागठबंधन पर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हमारे सरकार पूर्ण बहुमत के साथ चल रही है और चलेगी, और देखिएगा लोकसभा में समझ में आ जाएगा, लोकसभा रहे ना इलेक्टर समझ में आ जाएगा। और देखिए, हमारे अध्यक्ष जी दीना भैया अध्यक्ष जी है, पार्टी के लिए इतना मजबूत अभी तक पटना जिला में अध्यक्ष नहीं मिला, इतना मजबूत जो है अध्यक्ष मिला हमारे पटना जिला। लालू जी चिन्हित कर दीनानाथ भैया को पटना जिला अध्यक्ष बनाए, पार्टी मजबूत करने के लिए काफी मजबूत, काफी संगठन मजबूत हुई है, और बहुत लोगों को पार्टी से तोड़कर आरजेडी में दीना भैया ज्वाइन करवाए हैं। थैंक यू सर। पटना जिला राष्ट्रीय के जो उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के धर्मवीर सिंह ने साफ शब्द में कह दिया कि सरकार चलेगी, महागठबंधन की सरकार बहुत ही समझे कि रोजगार और शिक्षा के ऊपर काम करें, इसी को लेकर के हम बता दें उन्होंने साफ कह दिया कि पूरे बिहार वासियों नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, सुख समृद्धि के साथ अपने परिवार के साथ नवरात्र मनाएं। खबरों के साथ बने रहिए कुमार एसएन भारत न्यूज 24।